नहीं हो सकता, एक ही कॉलेज में से कैसे हो सकता है। लेकिन उनका कहना है कि ये अफवाह है और हमारे साथ में और जांच करके इन लोगों को लेकर आप लोग हम चाहते हैं कि परीक्षा दे रस्त हो, क्योंकि एक ही कॉलेज से NRI कॉलेज से 1000 छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो सकता, और पूरे MP में 2000 ही हुए, और एक ही कॉलेज से 1000 कैसे हो सकते। हम चाहते हैं कि हमारी मांग ये है कि हम परीक्षा दे रस्त हो सकते। आपका नाम? सोनू राठौर। नमस्कार, मैं हूँ रतलाम में, और यहाँ पर छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया है। एक कहावत है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह बनेगा जो काबिल है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और यहाँ पर जो पटवारी भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, और रतलाम में युवाओं ने आज आंदोलन किया है। हम यहाँ पर सर से सवाल करेंगे, रुको सर, क्या लगता है कि सरकार तो बोल रही कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, सब कुछ व्यवस्थित परीक्षा हुई है, इसको लेकर आपको क्या कहना चाहते हैं? 100% आपका फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर फर्जीवाड़ा अगर नहीं होता तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक कॉलेज में अगर टॉप 10 की लिस्ट तैयार हुई है तो साथ एक कॉलेज से ही। तो क्या बच्चे जो तैयारी दिन रात कर रहे हैं वो क्या पागल है? जो गरीब फैमिली से आते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, और उसके बाद जो पैसे वाला है वो अगर वहाँ पर फर्स्ट में आ रहा है तो क्या हम पागल है? क्या हम मजदूर है तो मजदूर ही रहेंगे? हमें रोजगार का हक नहीं है? हम इतना मेहनत से पैसा लाते हैं उधर उधर से, हम पढ़ाई में पूरा खर्च करते हैं, और लास्ट टाइम जब रिजल्ट आता है तो भाई उसमें ये हो जाता है कि पैसे वाले टॉप में लिस्ट में चलेगा। जो क्वेश्चन गलत है उनका नंबर किसी को ना मिलेगा, उनमें भी ऑन क्या है? उनका इंग्लिश पूरी तरह से स्टार्टिंग में लिखने में वो गलती कर रहे हैं, और लास्ट में उनका 25 में 25 नंबर आ गया। सामने दिखाई दे रहा है फर्जीवाड़ा हुआ है, और पहले भी फर्जीवाड़ा हुआ है, और कृषि विभाग में आपने देखा था पहले फर्जीवाड़ा हुआ था, इसी वजह से पेपर निरस्त हुए थे। और मैं अब कुछ भी नहीं चाहता हूँ, केवल हम सभी छात्र यही चाहते हैं कि भाई कैसे करके परीक्षा रद्द हो, और अब अगली परीक्षा जो हो रही है उसमें फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगली बार आप ये उम्मीद ना करें कि आपकी सरकार आएगी। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, और मैं किसी पार्टी का भी नहीं हूँ, लेकिन मैं विद्यार्थियों का हूँ, और विद्यार्थी की आवाज बोल रही है, क्योंकि सभी नहीं बोल सकते, लेकिन सबने मिलकर मुझे बोला कि सर कुछ तो करिए। तो हम सभी ने भाई लोगों ने मिलकर भाई सरकार को अभी सचेत कर रहे हैं। अगर 10 दिन के बीच में CBI जांच अगर नहीं होती है तो आंदोलन बड़ा होगा, और इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहेगी, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हम अभी आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, थोड़ा हमारा गरीबों का भी आप सुन लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी बोर्ड ने एक वो सूची लॉन्च की है, मेरिट लिस्ट लॉन्च की है, इसमें क्या घपला है और क्या सामने आया? घपला ये कि ग्वालियर में लगभग 7 में से 10 तो ऊपर है, वहाँ बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, लोगों ने हिंदी में साइन करे और इंग्लिश में उनके 25 में 25 नंबर है। और जो क्वेश्चन व्यापम ने गलत कराया उसका भी उन्होंने सही आंसर लगाया है, और जो क्वेश्चन का आंसर व्यापम ने सही कराया वो उन्होंने सही कराया है, बल्कि वो क्वेश्चन गलत है। देखो व्यापम जब पेपर बना था तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा गलत देता है। अभी आबकारी में आप उठा के देख लो क्वेश्चन मैथ के बहुत सारे गलत थे, रीजनिंग के गलत थे, और उनके वो बताता है सही बताता, बच्चा वहाँ ऑब्जेक्शन लेगा 50 रुपये लगा के, फिर वहाँ पे जांच करेगा। और हर जगह पटवारी में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, लगभग 5000 पद निकालते इसमें तो हजारों फर्जीवाड़ा हो जाता है। हमारी यही इच्छा है कि बस आगे जो MP पुलिस की भर्ती हो रही है उसमें कुछ भी फर्जीवाड़ा ना हो, और जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा करा है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और इस परीक्षा को निरस्त की जाए, रद्द किया जाए। सर अगला क्या कदम होगा आपका? अगला अगर यही नहीं करते हैं, अगर हमारी नहीं सुनते हैं, तो हम आगे जाएंगे, व्यापम का घेराव करेंगे, बड़ी संख्या में 52 जिलों से कॉन्टेक्ट करेंगे, वहाँ के एकत्रीकरण होकर व्यापम का घेराव करेंगे। सर को सुना, ये जो ग्वालियर में एक कॉलेज है NRI कॉलेज, वो NRI कॉलेज बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक का वो कॉलेज है, और उस कॉलेज से 10 टॉप में से 7 विद्यार्थी उस कॉलेज से निकले हैं, और टोटल 1000 स्टूडेंट वहां से सिलेक्ट हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है, और हम लोग गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तर पे जांच हो और परीक्षा विलंब ग्रस्त करें।